अब तक आपने देखा यमलोक में चंद्रपुरी दिल्ली के एक रंगमंच कलाकार से मिलने के बाद यमराज निर्णय लेते हैं कि वो खुद धरती पर जाकर मनुष्यों को जीवन का सही मूल सिखाएंगे और इसी उद्देश्य से कई मुश्किलों का सामना करते हुए यमराज चंद्रपुरी दिल्ली पहुंच तो जाते हैं लेकिन चंद्रपुरी वासी भ्रमित होकर यमराज और चित्रगुप्त को हास्य कलाकार समझकर उनका स्वागत करते हैं और बातों ही बातों में यमराज को उनका संकल्प याद आता है और उनका निश्चय और भी अटल हो जाता है। अब आगे अरे मेरी बात तो सुनो एक मिनट अंदर जी भाई साहब हमारा नाम है जी श्री चंदू धाकड़ चौधरी जी जी और ये हमारी अरे कहां गई ये हमारी चौधरण कहती है धाकड़ है ये छोटी बेटी है हमारी और एक मिनट और हमारी जो बड़ी बेटी है जिसकी शादी है वो ऊपर अरे रुक जा चांदरानी जी वो ऊपर और कती धाकड़ है वो भी ये जो आप मल्ला देखा ना आपने जिसमें से आए हो ये मारा है और कती धाकड़ है कि हर एक दुकान हर एक मकान वो भी मारा है और कती धाकड़ है और ये जो शांति हो रही है ये भी मारी है और धाकड़ है अरे मेरी बात तो सुनो चौधरी साहब मैं कह रहा था कि बातें करते रहोगे एक फोटो तो हो जाए चित्रगुप्त जी जी प्रभु हमें इंद्रदेव के आने का संकेत मिल रहा है उस यंत्र से प्रभु क्या इस यंत्र से वर्षा भी होगी नहीं 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 सिर्फ बिजली चमकेगी ओए चमन ओ भाई भाई इनको स्टेज पे लेके जा सबको हंसाएंगे सर जी इधर देखो उधर देखो वो मंच है उस पर चलना वेरी नाइस बैठो जी चौधरी साहब बैठो भाई बैठो हाँ जी सारे बैठ जो प्रणाम मनुष्य हमें बेहद खुशी है कि हमें आपसे बात करने का अवसर मिला यम यम है हम और ये है चित्रगुप्त सर जी इधर देखो उधर देखो वो है माइक उस पे बोलना है माइक पुत्र ये माइक क्या होता है कोई कोई यंत्र है ये ओ भाई साहब ओ वेरी गुड जोक ओ जी इस यंत्र को कहते हैं आवाज फेंकू यंत्र आवाज फेंकू यंत्र अवश्य हम इसमें बात करेंगे प्रिया मनो बढ़िया भाई बढ़िया चित्रगुप्त जी प्रभु ये बहुत ही अजीब यंत्र है इसमें बोलने पर ऐसे लग रहा है जैसे आकाशवाणी हो रही हो प्रभु ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जाकर खुद को वहां से यहां बुला रहे हैं मैं बोलूं इसमें अब बोलिए प्रभु सुनते हैं हरिओम अद्भुत है चित्रगुप्त प्रभु आप भी बोलिए इसमें मैं क्या बोलूंगा आनंद आएगा चित्रगुप्त जी बोलिए आकाशवाणी सा महसूस होगा प्रभु प्रभु गुड कॉमेडी चौधरी साहब टू गुड है प्रभु हम इसी में बोलेंगे चित्रगुप्त जी आइए Thank you.
प्रणाम मनुष्य, हम बहुत खुश हैं कि आप सभी से बात कर रहे हैं, और इस बात की भी खुशी है कि आप सभी ने विज्ञान में बहुत तरक्की की है। किंतु हमें बेहद अफसोस है कि मनुष्य जीवन का मूल भूल चुका है, और इसी विषय में आप सभी से बात करने के लिए आप सभी के सामने चित्रगुप्त जी और हम स्वयं आए हैं यमलोक। अरे भाई, दिल्ली में चंद्रपुरी तो सुनी थी, यमलोक भी बन गया। मनुष्य, हम आप सभी से ये कहने आए हैं कि आप सभी के जीवन अनमोल है, सुंदर, इसीलिए अपने आप से और अपने जीवन से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। धन प्राप्ति, यश कामना आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु ये जीवन का मूल तो नहीं हो सकता। आपको जीवन इसलिए नहीं मिला है, ब्रह्मा जी ने आप सभी को जीवन इसलिए दिया है ताकि आप इसे एक उपहार स्वरूप जिए। चौधरी साहब, टेंशन ना लो, फर्स्ट हाफ सीरियस है, सेकंड हाफ कॉमेडी है, अभी आएगा जोक। तो मनुष्य, अब मरेगा पंचलाइन, सुनो। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन ये बात आप लोग समझ गए, सीख गए, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, घृणा, इन सब से मुक्ति मिल जाए और तब एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। कैसे गलत बात हुई है? अच्छा जीवन जी पाएंगे, प्रेम बांट पाएंगे और प्रेम मिलेगा। जब ऐसा होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब आपकी आयु बढ़ेगी, और जब पृथ्वी से विदा लेने का वक्त आएगा तब आप सभी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट होगी कि आप अच्छा जी, शुद्ध जी, स्वच्छ जी, और आपको इस बात की खुशी रहेगी कि आपने इस पृथ्वी लोक पर आकर प्रेम दिया और प्रेम पाया। जब ऐसा होगा तब मौत का भय नहीं रहेगा। अगर वीरचंद चलने आए हैं तो ये दोनों कौन है? चूल्हे लाल को मालूम, मेरे को क्या मालूम। और जब मौत का भय नहीं रहेगा तो यमराज बुरे नहीं लगेंगे। प्रभु, अर्जी इधर देखो, उधर देखो, सब बोर हो रहे, क्या हो गया आपको? माना जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, इसमें जोक कहाँ है? जोक? चुटकुला। चुटकुला? चुटकुला। आप तो कॉमेडियन है ना, फिर ये संत गुरु क्यों बन गए? पुत्र, हम इतनी गंभीर बात कह रहे हैं और आपको चुटकुला सुनना है? ठीक है पुत्र, यदि आप सभी चुटकुला सुनना चाहते हैं तो मैं चुटकुला सुना देता हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनाओ जी, सुनाओ, सुनाओ जी। चुटकुला कुछ यूं है, एक बार एक मनुष्य अपने घमंड में, अपने अहंकार में आकर ये ऐलान कर बैठता कि वो अपनी तकदीर को अपने वश में कर लेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा, यहां तक कि वो मृत्यु पर भी विजय पाएगा, अमर हो जाएगा और कभी यमराज से नहीं मिलेगा। प्रभु, आप भी ना प्रभु। सर जी इधर देखिए, उधर देखिए, कोई नहीं हंस रहा है, इसमें चुटकुला कहाँ है? मनुष्य, यही तो अफसोस की बात है कि आपको इसमें चुटकुला दिखाई ही नहीं दिया। एक मिनट, हेलो हेलो, हमें कॉमेडी नाइट में बुलाया था, ये सत्संग क्या है? हो क्या रहा है, उतारो इन्हें नीचे। आओ चमन,
कहां से पकड़ लिया इन तो है? अरे एक काम धाकड़ तरीके से ना हो सकता तेरे से। अट रहे, हम बात करेंगे। भाइयों माफी चाहता हूं, ये वो कॉमेडियन वीर और चंचल ना है। सॉरी भाई, सॉरी भाई। अपना छोरा है नहीं चमन, इसने गलती कर दी। अरे चमन क्या दिया? अरे चांदनी जी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। पुत्र हम बात करना चाहते हैं। अरे भाई रहने दे, तुम हो कौन? हमने कहा ना यम है हम। तो अब काम हो जाओ है, चलो अभी यहां से ये लो। चलो ये लो, ला भाई तू भी पकड़, जाओ अब जाओ। देखिए मनुष्य, हम आपसे विनती करते हैं, हमें बात करने दी। हम बड़े दूर से आए हैं इन सब से बात करने के लिए। तो अब दूर जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। प्रभु चलिए जाओ भाई जाओ। अरे मुगदर सा ले जा अपना, जा। अरे जाओ के देख रहा भाई, जाओ। चल भाई तू भी जा। अरे ये कौन पकड़ के लाया, इन्हें बाहर करो। अरे हाथ में मोबाइल है, झूठ नहीं बोलेंगे। इन दोनों की शक्ल देखते ही हम समझ गए थे ये किसी काम के नहीं है दोनों है। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्या भूल हुई है हमसे? प्रभु आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन ये मनुष्य नादान है, समझते नहीं है। प्रभु हम लोग वापस चलते हैं। ला बर्फ की सिल्ली ला, लेटा इसको बर्फ की सिल्ली पे। मारे को सजा देके ही मारे को शांति मिलेगी। अब रायों के नोटंकी है, उतरा के मारो डंडा। हाँ बचपन से ही मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंधा नहीं हूँ मैं, अंधे बनने की नोटंकी कर रहा था मैं। चलो गहने निकालो। ज्ञान पाटना बंद करो वरना गोली पाट दूंगा, दोनों में गोली पाट दूंगा। हम बड़े दूर से आए हैं इन सब से बात करने के लिए। तो दूर जाओ, चलो। क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, मनुष्य को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें हमारी जरूरत है। मनुष्य झूठ बोलता है, बिना वजह क्रोध करता है। जब हम कोई गंभीर बात कहते हैं तो उन्हें चुटकुला लगती है, और जब चुटकुला कहते हैं तो गंभीर। हमने निर्णय ले लिया है चित्रगुप्त जी, जब तक मनुष्य को गंभीरता और मजाक के बीच का अंतर नहीं समझा देते, जब तक उन्हें जीवन जीने का तरीका नहीं सिखा देते, खुश रहना नहीं सिखा देते, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु जी हाँ, हम यहीं इन्हीं के साथ रहेंगे चंद्रपुरी में। क्या प्रभु? तो चलिए चित्रगुप्त जी, अब हमें रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ प्रभु, पहले इस माला को त्याग दे। अवश्य। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी ध्वनि शोर। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमें ये बताए कि ये चंदू धाकड़ चौधरी जी की पुत्री का ब्याह है या फिर घोड़ी का? पुत्री का प्रभु, क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चित्रगुप्त जी, क्योंकि ये मनुष्य भी सजा हुआ है और ये घोड़ा भी। मैं सोच रहा हूँ दूल्हा कौन है, मनुष्य या घोड़ा? दूल्हा तो मनुष्य है प्रभु। मैं भी यही सोच रहा था। चित्रगुप्त जी जी,
और एक बात बताइए, ये दूल्हे के आसपास ये लोग विचित्र कसरती मुद्राएं क्यों कर रहे हैं? प्रभु मुझे शंका हो रही कि बेलक नृत्य कर रहे हैं। नृत्य? हाँ, और इसे विशेष विवाह नृत्य शैली कहते हैं। अद्भुत है। लाइए 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 भाई, दामाद जी को लाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गिरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये। आप सभी बारातियों का चंद्रपुरी कॉलोनी में स्वागत है। संधि संधि का मिलन हो, आइए। स्वागत है जी आपका। तालियां बजाइए। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये विवाह देखकर हमें हमारा और धूमोर्ण का विवाह याद आ गया। मेरे तो दो दो हो गए हैं प्रभु, सोचिए मुझे कितने याद आते होंगे। अवश्य आते होंगे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी जी, किंतु हमें ये बताइए कि इस दूल्हे ने अपने चेहरे के आगे ये फूलों की झालर का पर्दा सा क्यों लगा रखा है? शर्मा रहा होगा प्रभु, जरूर ये उसका पहला विवाह है। ये तो आप ही बता सकते हैं, पहला या दूसरा। प्रभु आप तो चलिए जी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये मारा बड़ा छोरा विनोद और यो है याकी घराड़ी शारदा। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते पाओ छो, समझ लीजिए मारे। अरे नहीं 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 जी, अरे मारे फेरना छूगी ससुर धारे। हाँ जी चलो जी, चलो आओ चलो। बेटा विनोद जी, पिताजी इस बार शादी में हमारी इज्जत बनाए रखना। अगर पिछली बार की तरह कोई रायता फैलाए ना। जी पिताजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जैसा बोल रहे हैं ना सब वैसा ही होगा। फिक्र तो थारे को कर रही है बेटा। अरे चंदू सर। वो देखिए दूरभाष यंत्रम, ये हमारे पास एक दूरभाष यंत्रम है जो वैद्य शारदा राठी जी का है। शारदा राठी हमारी भौकाना, और वो कोई वैद्य उधना है और ना ही कोई मोबाइल रखे अपने पास। क्यों शारदा बेटा, यो मोबाइल थारा से के? नहीं मेरा नहीं है। दर्दे दिल, ये किसी मरीज का ही फोन है। हाँ इसके दिल में भी दर्द है और जिगर में भी दर्द है। ये फोन इनका है हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप वैद्य हैं, किंतु अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.